हमारी इंशाल्लाह जीत है और जीत के बाद ये पाकिस्तान में किस पार्टी की भी टीम यहाँ पे मौजूद हो रही है, उनकी मौजूदगी में दादली की जा रही है और हम इसकी सख्त मतलब में मजम्मत करते हैं। उसके बावजूद उनकी जो दादली के बावजूद भी इंशाल्लाह कप्तान के खिलाड़ी जीत गए और नेशन बनाएंगे। अच्छा ये बताइएगा, अंदर से जो रिजल्ट आया पोलिंग एजेंट्स की तरफ से, पीटीआई के और पीपी के तमाम पोलिंग एजेंट्स की तरफ से, तो वो क्या रिजल्ट आया, कितने की लीड है? काफी तादाद में लीड है, तकरीबन हमारे 200-250 पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट, और उसके बावजूद तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बीजेपी मौजूदगी में ही ये कंध फैलाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के पुलिस खड़ी है, उसके देख सकते हैं आप अपने कैमरे की नजरों में, उसकी मौजूदगी में ये दादली कर रहे हैं और उसके बाद पोलिंग स्टेशन है जिसमें तहरीके इंसाफ की चुकी है, ये पुलिस की मोबाइल साथ मौजूद है मगर पुलिस की मोबाइल कुछ भी नहीं कर रही है। और यहाँ पे जो है अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो बदमाशी करते हुए अंदर घुस चुके हैं और शरीर थामने की कोशिश अंदर कर रहे हैं और सब घुस गए। यहाँ पे पीटीआई ने 234 वोट से लीड ली है इस पोलिंग स्टेशन पे भी और पूरे वार्ड पे भी, तो पीटीआई जो है यहाँ से वार्ड काउंसिलर जीत चुकी है मगर उसके बावजूद भी मालिक ये करम कर दे बस इतना भरम रख ले मेरे मुल्क की मिट्टी को।